सपा बसपा का भी गठबंधन देखा है, कांग्रेस इंडिया की भी गठबंधन देखा है, 400 के पार होंगे मोदी। पूरा भारत मोदी की तरफ है, मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश का सर ऊंचा किया है। धारा जो है 370 हटाए जी, राम मंदिर बनवावे, हमें हिंदू ले और का करें बाबू, यही सब काम उनका अच्छा काम है। बढ़िया मंदिर तो बनवा दी, मन गया अब राम लल्लक दर्शन करें, सब मोदी और योगी के करामात है। और न्याय मिल रहा है सबको, कोई गुंडई बदमाशी नहीं कर सकता है, जो पहले के शासन काल में था अब कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। जनता का क्या है मूड ये जानने के लिए हमारी टीम का कारवां आज धानियापुर बाजार में पहुंचा है। मित्रों नमस्कार, गोंडा पोस्ट में स्वागत है, मैं हूं दीपक सिंह। 18वीं लोकसभा का आम चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सड़क से लेकर संसद तक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। चाहे इंडिया गठबंधन हो या फिर सत्ताधारी दल एनडीए हो, अपनी अपनी तैयारियों में जुट गया है और सभी ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। जहां तीसरी पीढ़ी को बेनी प्रसाद वर्मा की तीसरी पीढ़ी को इंडिया गठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तीसरी बार कीर्तिवर्धन सिंह राजा भैया को प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनाने के बाद में जनता का क्या राय है, जनता स्थानीय मुद्दे पर वोट करेगी या फिर राष्ट्रीय मुद्दा होगा, ये लोगों से बात करते हैं, लोगों से जानकारी बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? अनंत राम पांडे। दादा किस मुद्दे पर चुनाव होने वाला है? स्थानीय मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, और मोदी की गारंटी सबसे बड़ी गारंटी है जी। और ये जो श्रेया वर्मा जी इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाई गई हैं, गठबंधन गठबंधन को नहीं, सपा बसपा का भी गठबंधन देखा है, कांग्रेस इंडिया की भी गठबंधन देखा है, 400 के पार होंगे मोदी। मोदी जी किस आधार पे, कौन से काम के आधार पे मोदी जी 400 पार होंगे? आपको नहीं दिखाई देता, कम से कम 15 विश्वविद्यालय बनवाया, 10-15 एम्स बनवाया, सड़कों का जाल बिछाया, सभी नहरों में पानी पहुंचाया, आयुष्मान कार्ड 5 लाख गरीब लोगों को, राशन कार्ड में मिलता ही नहीं था, एक छटाक नहीं मिलता था, अब सबको राशन सब कुछ मिल रहा है। आपने दादा बताया जनधन सम्मान निधि मिल रहा है किसान को। आपने दादा बताया कि मोदी जी ने 15 विश्वविद्यालय बनवाया, लेकिन गोंडा के लिए जो विश्वविद्यालय आया था वो दूसरे जिले में शिफ्ट कर लिया गया। छोटा भाई ही है, पिछड़ा था ना बॉर्डर पर, उससे कोई फर्क नहीं, गोंडा और बलरामपुर में क्या अंतर है, 20 किलोमीटर इधर था, वहाँ बनता 35-25 किलोमीटर पर विश्वविद्यालय है हमारे सबके स्थानीय लोगों का। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे पूछ, दादा आपके क्या नाम है? चंद्रभान तिवारी। दादा ये जो 2018वीं लोकसभा का आम चुनाव होने जा रहा है, ये किन मुद्दों पर चुनाव होगा? बस स्थानीय मुद्दा पर होगा सर। स्थानीय मुद्दे पर जैसे कैसे, विकास मुद्दा होगा या फिर प्रत्याशी मुद्दा होगा? नहीं, प्रत्याशी भी है, विकास भी, दोनों है साथ साथ। तो आप किस पार्टी की तरफ, कौन सा प्रत्याशी आपको, एक इंडिया गठबंधन से श्रेया वर्मा जी बनाई गई है और कीर्तिवर्धन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार टिकट दिया है, किसके पक्ष में आप लोग? कीर्तिवर्धन सिंह के पक्ष में हम लोग। कीर्तिवर्धन सिंह के पक्ष में जी जी। किस वजह से आप लोग कीर्तिवर्धन सिंह को लगातार तीसरी बार पसंद कर रहे हैं? हमारे स्थानीय है, हमारे नजदीक के हैं, मतलब मेन मुद्दा यही है कि वो स्थानीय है, इसीलिए आप लोग कीर्तिवर्धन सिंह को पसंद कर रहे हैं। और सरकार भी अच्छा, भाजपा के सरकार भैया बनना चाहिए। पार्टी से टिकट तो सबके घोषित हो गया है दादा, लेकिन मेन जोन जीत का टिकट है वो आप लोग का देख क्या क्या दिन जाता है, श्रेया वर्मा का या फिर कीर्तिवर्धन सिंह का? नहीं, कीर्तिवर्धन सिंह का। तो उन्हें क्या कारण है दादा, का है? ये चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर है, ये स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है, और राष्ट्रीय मुद्दे पर हम लोग दे रहे हैं, मोदी जी को चुनाव दे रहे हैं, पूरा भारत मोदी की तरफ है, मोदी जी ने देश का विकास किया है, देश का सर ऊंचा किया है, इसलिए हम लोग मोदी जी को दे रहे हैं। कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा है, आप कह रहे हैं राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव होगा, कौन सा मुद्दा है राष्ट्रीय? मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले तो धारा 370 समाप्त कर दिया, उसके बाद में वो राम मंदिर का निर्माण नहीं, राष्ट्र मंदिर का निर्माण है, धारा 335 समाप्त कर दिया, जो दूसरे देश पहले जो बुत शिकन होते थे मुसलमान, आज वही हमारे यहाँ दुबई में राम मंदिर बना दिया, वो भी एक तरह का राष्ट्र मंदिर है। फिर देखिए बहरीन में भी मंदिर बनने जा रहा है, मंदिर जब बनता है तो उससे हमारे हिंदुत्व का विकास होता है, हमारे देश का सर ऊंचा होता है। दूसरा, स्ट्राइक किया पाकिस्तान के ऊपर, मोदी जी को जितने इस्लामिक देश हैं सब ने अपने सर्वोच्च उससे नवाजा है, सम्मानित किया है, यही सब मुद्दे हैं, इसलिए हम लोग राष्ट्र मुद्दे पर वोट दे रहे हैं। तो दादा क्या इस बार राम मंदिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में? अरे बहुत बड़ा मुद्दा है राम मंदिर, वो राम मंदिर नहीं राष्ट्र मंदिर है ना,
दादा 2024 चुनाव आएगा है, कुछ दिन में होने वाला है, प्रत्याशी भी घोषित हो गए हैं, भाजपा से कीर्ति प्रधान बनाए देंगे श्रेया वर्मा इंडिया गठबंधन से, क्या है चुनाव का हाल? चुनाव का हाल ठीक है भैया ना, भाजपा चुनाव जीती है जानी थे भैया, भाजपा चुनाव जीती। कौन है मुद्दा दादा भाजपा चुनाव जीती? अरे 5 किलो गल्ला दे थे, 2000 रुपया पे मोदी दे थे, धारा जो है 370 हटाए दी, राम मंदिर बनवावे, हमें हिंदू लिया और का करें बाबू, यही सब काम उनका अच्छा काम है बढ़िया खिलाफ, हम लोग जय जयकार भाई मोदी के करीब है। तो क्या माना जाए कि अपने गोंडा में भी ज्यादा विकास भा है? अरे गोंडा में भवा ज्यादा कम ज्यादा भवा, लेकिन मोदी के नाम पर हम लोग वोट देवे भाई। दादा क्या जीता बीजेपी के अलावा कहूंगा का कारण है दादा बीजेपी के अलावा? बढ़िया काम के हिसाब का कारण है। कौन कौन बढ़िया काम किया? किसान सम्मान निधि, कोटा भैया फ्री गल्ला, सब अमीर गरीब सब है पहुंचते हैं, पेंशन पावत है, भाव का चाहिए। तो राम मंदिर भी दादा मुद्दा बनी? राम मंदिर तो बनवा दी, मैंने कहा अब राम लल्ला दर्शन करें, सब मोदी और योगी के करामात है, और तो सब जितनी पार्टी नहीं है मुद्दा बना लड़क, मतलब विपक्ष ना ही है दादा, विपक्ष माने कुछ क्या वोट दिए की मूड है मोदी जी? मोदी जी का कारण है मोदी जी? मोदी जी अब इतना अच्छा विकास कहीं हो सकता है किसी भी देश में? देखिए हर देश में भारत का सम्मान बढ़ा, मान सम्मान प्रतिष्ठा सब जो है देश में बढ़ रही है, उसके बाद गरीबों को मुफ्त अनाज मिल रहा है, और जो है गरीबों की सारी समस्याएं सुनी जा रही, किसान सम्मान निधि मिल रहा है, अब कितना गिनाए याद ही नहीं है, इतना ज़्यादा जो है सरकार के तरफ से प्रोत्साहन मिल रहा है, तो अब इसके अलावा क्या चाहिए आम जनता को? न्याय मिल रहा है सबको, कोई गुंडई बदमाशी नहीं कर सकता है जो पहले के शासनकाल में था, अब कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। दादा आप जैसे गांव से हो हमें लागत है, तो कहूँ कहूँ हम लोग रेशन करे जावा जाते हैं, तो एक छुट्टा समस्या बनी हुई है, वो का समस्या कुछ बनी होगा देखा जाए, उसके आधार पर फिर वोट हुई कि ना हुई? नहीं नहीं उसके आधार पर होगा, लेकिन सरकार उसका समाधान जो है खोज करके उनको गौशाला पहुंचा रही है, लेकिन जब हम ही लोग छोड़ रहे हैं तो सरकार कितना समाधान ढूंढेगी? चार मान लीजिए 4 पशु हैं हमारा, और 4 पकड़ के लाए पशु बंद कर दिए, उसके बाद में 5वां आदमी दूसरा छोड़ दिए, तो अब इस चीज की गारंटी कौन ले सकता है? इस देश में कौन गारंटी ले सकता है इस चीज की? हमारी टीम ने अभी लोगों से बात किया, और बात करने से सीधा ये पता चला कि जो आम चुनाव 2024 का होने वाला है वो मोदी जी के नाम पे ही चुनाव होगा, सभी लोग मोदी जी के पक्ष में मतदान करने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, और उसका कारण बता रहे हैं कि जो एक लाभार्थी वर्ग खड़ा हुआ, चाहे अनाज हो, चाहे फिर आयुष्मान कार्ड हो, चाहे फिर सम्मान निधि हो, इसी के आधार पर को आधार बनाते हुए साथ साथ राम मंदिर भी एक बड़ा बहुत मुद्दा बन के आएगा, उसी के आधार पर लोग वोट करेंगे, और तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने का आसार दिखाई पड़ रहा है।